नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं चित्रकूट धाम यूपी से हूँ और यह मेरा यूट्यूब में सेकंड व्लॉग है और मैं इस व्लॉग में आप लोगों को अमृतसर की सैर कराने वाला हूँ। और मेरा फर्स्ट व्लॉग जिन्होंने नहीं देखा है माँ वैष्णो देवी की यात्रा, वो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वो वहाँ जा करके देख सकते हैं। और दोस्तों प्लीज़ यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। और मैं अमृतसर जम्मू तवी से ट्रेन पकड़ता हूँ और 6 घंटे में मुझे जम्मू तवी से ट्रेन अमृतसर पहुँचा दी। अमृतसर लगभग हम लोग 7 बजे ही पहुँच गए और अमृतसर पहुँचते ही हम लोगों ने तुरंत ही गोल्डन टेम्पल के नज़दीक ही कोई होटल देखा और हमें होटल मिल गया। और होटल में हम लोग ने अपना सामान रखा और ही तुरंत ही वहीं से हम लोग गोल्डन टेम्पल के लिए रवाना होते हैं। स्वर्ण मंदिर घूमते घूमते हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा भूख लगी और हम लोगों ने स्वर्ण मंदिर के अंदर ही लंगर खाया और वहाँ का खाना काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट था। और ऐसा सुना है कि वहाँ का लंगर खाने लोग विदेशों से भी आते हैं। और हम लोग लंगर खाने के बाद उस स्वर्ण मंदिर से एग्जिट लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका होता है। गोल्डन टेम्पल से जैसे हम लोग बाहर आते हैं तो हमें वहाँ की मार्केट काफ़ी अच्छी लगती है, और लेकिन रात के लगभग 12 बज चुके थे तो वहाँ की मार्केट बंद हो चुकी थी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया क्यों ना एक बार मॉर्निंग टाइम फिर यहाँ आएंगे और हम लोग यहाँ की मार्केट देखेंगे, क्योंकि लोग कहते हैं यहाँ की मार्केट बहुत बड़ी और बहुत सुंदर है। तो मैं आप लोगों को केवल एक नज़ारा दिखा दे रहा हूँ अभी, और बाद में फिर मॉर्निंग टाइम में आऊँगा और मॉर्निंग टाइम जब यहाँ की मार्केट खुलेगी तब आपको यहाँ का नज़ारा दिखाऊंगा। मॉर्निंग होते ही हम फिर से गोल्डन टेम्पल की तरफ आ जाते हैं और यहाँ की मार्केट का नज़ारा देखते हैं। और दोस्तों हम लोग 6 लोग थे और यहाँ सुबह टाइम आकर के काफ़ी सारी सेल्फी वगैरह ली, फ़ोटो खिंचवाएँ और मार्केट का नज़ारा देखने के लिए चल पड़े।
दोस्तों इस वीडियो में आपको केवल गोल्डन टेम्पल ही दिखा पाऊंगा, क्योंकि यदि मैं अमृतसर में क्या क्या घूमा और इसके अलावा यदि वो दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा। तो मैं इसका पार्ट टू बनाऊंगा, तो उसमें आप लोगों को मैं ये दिखाऊंगा कि अमृतसर आप यदि जाते हैं तो आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो प्लीज़ यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं पार्ट टू जल्द ही लाऊंगा और उस वीडियो को आप लोग देखिए।